यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैसे तो मैं हमेशा आपको केपॉप की हर एक न्यूज से अपडेटेड रखती हूँ, लेकिन जब बात हमारी इंडियन केपॉप स्टार श्रेया लिंका की हो तो ये न्यूज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कल 11 जनवरी को ब्लैक स्वान का फर्स्ट इंडियन कॉन्सर्ट था, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो कैसा रहा ये कॉन्सर्ट और क्या रिएक्शन रहा इंडियन फैंस का, ये हम आपके साथ शेयर करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि 13 जनवरी से ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी कल 11 जनवरी को इवनिंग में 6 PM से स्टार्ट हुई, जिसमें बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, दिशा पाटनी और केपॉप ग्रुप ब्लैक स्वान मेंबर श्रेया लिंका भी शामिल थी। यहां आपको ये भी बता दें कि जब से श्रेया लिंका लास्ट ईयर ब्लैक स्वान ग्रुप में सेलेक्ट हुई है, जब से ये इंडिया में उनका फर्स्ट कॉन्सर्ट था, जो कि उन्हें अपने ही स्टेट ओडिशा में देने का मौका मिला। हालांकि श्रेया लिंका ने अपने फर्स्ट इंडियन कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले ही कर दी थी, जिसके लिए न सिर्फ श्रेया लिंका बल्कि सभी ब्लैक स्वान ग्रुप मेंबर सुपर एक्साइटेड थे। वहीं फैंस तो बेसब्री से इस इवेंट का वेट कर रहे थे, और जैसे ही ब्लैक स्वान ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की, वैसे ही फैंस ने शाउटिंग स्टार्ट कर दी, यानी उड़िया फैंस ने जमकर ब्लैक स्वान ग्रुप की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। वहीं अगर क्राउड की बात करें तो कटक के इस स्टेडियम में 45,000 से ज्यादा गैदरिंग थी, जिसमें इंडियन वर्ल्ड कप हॉकी फेडरेशन के सभी मेंबर्स और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ साथ सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी शामिल थे। हालांकि इस ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के और भी कई आर्टिस्ट को इनवाइट किया गया था, जिसमें अरिजीत सिंह, प्रीतम, बेनी दयाल, नीति मोहन, लीसा मिश्रा और अमित मिश्रा शामिल थे। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी लोकल उड़िया स्टार्स की कल्चरल परफॉर्मेंस से स्टार्ट की गई, जहां दुनिया भर से आई हॉकी टीम को इंडियन कल्चर और म्यूजिक को देखने का मौका मिला। वहीं अगर ब्लैक स्वान की परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्लैक स्वान ग्रुप ने बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स पर परफॉर्मेंस दी। साथ ही सभी मेंबर्स ने इंडियन फैंस को इनवाइट करने और इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू भी कहा। साथ ही सभी मेंबर्स ने हिंदी में बात करने की कोशिश की, जो कि उन्हें श्रेया लिंका ने ही सिखाई है। लेकिन दोस्तों, पर्सनली मैंने ये फील किया कि श्रेया लिंका हमारी इंडिया की फर्स्ट यंगेस्ट केपॉप स्टार होने के बाद भी इंडियन केपॉप फैंस उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना बाकी केपॉप ग्रुप्स को किया जाता है। तो दोस्तों, आप सब श्रेया लिंका को सपोर्ट करते रहिए, जिससे वो इंडिया का नाम रोशन करें, जैसे ब्लैक पिंक ग्रुप मेंबर लीसा कर रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगयो।